साडियां सहरियां अफतारियां फैसलाबाद चो केड़ी अल्लाह दी नेमत है जेड़ी नहीं मिलदी मेरे बजुर्गो। पेट भर के असीं सहरी करदे आं, पेट भर के अफतारी करदे आं, ते फिर भी इन्नियां नेमतां मिलन फैसलाबादों रजाबादों, फिर भी असीं अपनी मर्जी दे मुसलमान आं, फिर भी असीं अपनी मर्जी नाल रोज़ा रखदे आं। ते मेरे नबी पाक दे यारां दी सहरी सुन लो ध्यान नाल, हजूर दे यारां नूं हर सहाबी नूं दो दो खजूरां मिलदियां ने, इक ना रोज़ा रख लैंदे ने ते दूजी ना इफ्तार कर लेंदे ने। किन्नियां खजूरां? उच्ची बोलो, दो खजूरां मिलदियां ने हर सियाबे नूं, इक ना रोज़ा रख लेंदे ने ते दूजी ना इफ्तार कर लेंदे ने। जदों खजूरां भी मुक्कण लग पईआं, हर सियाबे नूं एक एक खजूर मिलदी है, अद्धी ना रोज़ा रख लेंदे ने ते अद्धी ना इफ्तार कर लेंदे ने। जदों खजूरां मुक्क गईआं ना सारियां, हजूर दे यारां ने गिटकां जमा कर लईआं, खजूरां दीआं गुठलियां ते गिटकां जमा कर लईआं। मेरे मुस्तफा दे यार गिटकां चूस के रोज़ा रख लेंदे ने ते गिटकां चूस के इफ्तार कर लेंदे ने। अल्लाहुम्मा صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سارے درود پاک پڑھو۔ صلی اللہ کی گل ہے اج ٹلے ٹلے بیٹھے ہو، ذرا محبت نال سارے درود پاک پڑھو، انشاءاللہ نیکیاں ملنی ہیں۔ صلی اللہ کما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ یاد کر لمیاں منزلاں ते जिथे जाके फेर नहीं आवना है, जिस महल ते हुसन ते नाज करना है, चंद रोज दाए पर आवना है, ते तेरा माल वन लेना वारसा ने, ते तेरे मास नू कीड़िया खावना है। अताउला मदनी इथों ही खर्च बना चलिए, पिछों किसे ने खर्च पहुँचावना है, ते जद मैं मरा सुने अल्लाह दा ना लैके दफनान वाले ओ करम कमा छड़ियो, जांदा होवे मक्के नूं राह जेड़ा उस राह विच कबर बना छड़ियो, ते मैनूं गुसल दे के कफन नूं मेरे गल दे विच पहना छड़ियो, बंद कबर मदनी दी करन लग्या मिट्टी शहर मदीने दी पा छड़ियो। अल्लाह सोणिया मस्जिद दे अंदर जितने बच्चे बुजुर्ग नौजवान बैठे ने और पर्दे च मेरिया मां भैणा बैठियां, अल्लाह सोणिया इन्हां नूं कदी किसे दा मुहताज ना करी, हमेशा अपने मुहताज रखी। आमीन कहो ना जरा। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह मुसाफर दी दुआ रद्द कर दे। उच्ची बोलो, सारे बोलो, मुसाफर दी दुआ नबी पाक ने फरमाया अल्लाह रद्द नहीं कर दे। मैं मुसाफर हाँ तो दुआ तुहाडे वास्ते करदा, अपने वास्ते भी करदा। अल्लाह सोणिया इस इजतमा दे अंदर अगर कोई बीमार आया तो शिफा अता फरमा, अल्लाह सोणिया कोई मकरूज आया तो कर्जे दूर फरमा, अल्लाह सोणिया अगर कोई दुखी आया तो दुख दूर फरमा, अल्लाह सोणिया अगर कोई बे औलाद आया अपनी रहमत दे नाल नेक साले नूरीना औलाद अता फरमा। और मुसलमानों ने करना चाह रहा है मेरी मामे आली मुकाम हसनैन देना ना जान मोहब्बत करने वालों, मेरे मदनी करीम आका दी मोहब्बत लेके बैठने वालों, मेरे रब्बे करीम ने फरमाया ए वसुहा दे चेरे वालिया लैल दियाँ जुल्फा वालिया माँ दाग दे काजल वालिया अलम नशरा दे सीने वालिया सिराजे मुनीर दे मुकाम वालिया ताहा दी शान वालिया हामिम दे कुंडल वालिया यासीन वल कुरआनिल हकीम दे ताज वालिया
कमली वाले सोने महबूबा फरमाया जी जी रब्बे जलील हुक्म आवे अर्ज करना चाह रहे मेरे मदनी करीम आका दी मोहब्बत रह के बैठने वालो मैं अल्लाह पाक दा कुरान पढ़िया ना सूरह बकरा दे अंदरों 183 नंबर आयत पढ़िए अल्लाह पाक दा कुरान कहंदा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून अल्लाह पाक दा कुरान कहंदा है ए ईमान वालो मैं तुहाडे ते रोजे फर्ज कीते जिवें पहलियां लोगां ते रोजे फर्ज कीते हर नबी ने रोजा रखिया हर रसूल ने रोजा रखिया हर पैगंबर ने रोजा रखिया लेकिन जदों आखिरी पैगंबर दी आखिरी उम्मत दियां वारियां आईयां मेरे रब ने फरमाया नमाज दा सवाब फरिश्ते लिखदे ने सदके दा सवाब फरिश्ते लिखदे ने हज दा सवाब फरिश्ते लिखदे ने सिला रहमी दा सवाब फरिश्ते लिखदे ने जिन्नियां वी नेकियां ने जिन्नियां वी बातां ने सवाब फरिश्ते लिख देने लेकिन जो रोजे दियां वारियां आईयां मेरे रब ने फरमाया मेरे फरिश्ते सिर्फ इन्नी गल लिख लैनी है अज रजाबाद के अंदर मेरे फलाने बंदे ने 20वां रोजा रख लिया अज फैसलाबाद के अंदर मेरे फलाने बंदे ने 21वां रोजा रख लिया अज पंजाब के अंदर मेरे फलाने बंदे ने 15वां रोजा रख लिया मेरे फरिश्ते तुसी एदा अजर नहीं लिखना रोजेदार ते मैं इन्ना राजी हाँ रोजा मेरे बंदे ने मेरे वास्ते रखिया एदा अजर भी मैं आप ही लिखांगा एदा अजर की क्यामत वाले दिन मैं आप ही अपने बंदे नूं दवांगा जरा सुनिया जे ध्यान नाल अज दे मुख्सर दरसे कुरान दे अंदर जिहड़ी गल मैं तुहाडे नाल करनी है मैं उन्हां सफरां ते रहिंदा अक्सर नौजवानां नूं वेखदा रोजा ही नहीं रखदे अक्सर लोग रोजे तो दूर ने हालांकि ऐ 2-3 दिन होए ने गर्मी हुई पहले मौसम ना ठंडा सी बारिशां पैंदियां सन कितने मुसलमान जिन्हां रोजे दा कर दित्ते 21वां रोजा गुजर गया कल नूं 22वां रोजा है अय्या मम्मा दूदा गिनती दे चल देने जेड़े बड़ी तेजी ना साढ़े कोलों जुदा हो रहे अल्लाह जानदा है हो सकदा जिंदगी दा साडी आखरी रमजान होवे साडी जिंदगी दा आखरी रमजान होवे हो सकदा अगले साल रमजान मुबारक दे अंदर असीं मस्जिद अंदर ना आ सकीए मेरे मुस्तफा दा कलमा पढ़ने वालो अगले साल रमजान आएगा जरूर आएगा अल्लाह ने चाहिया ते आएगा पर यह जरूरी ते नहीं तुम्हें मस्जिद अंदर आवे यह जरूरी ते नहीं तुम्हें तरावियां पढ़ने वास्ते आवे मेरे नबी पाक दा कलमा पढ़ने वालो बुजुर्गो नौजवानो मेरी माओ तुसी भी सुन लो मेरी भैनो ध्यान नाल सुन लिया जाइयो ये जरूरी नहीं कि असीं भी मस्जिद अंदर आईए नहीं तो ऐस जितने भी तुसी दोस्त अहबाब मेरे सामने बैठे हो अपने खानदान के अंदर नजर आओ अपने अणा कुनबे कबीले अंदर खानदान के अंदर अपने महल अंदर नज़र दड़ाओ अपने रिश्तेदारों से नज़र दड़ाओ पिछले साल किन्ने साडे रिश्तेदार ने जेड़े दुनिया से जिंदा सन मौजूद सन लेकिन ऐर की शक्ल नजर नहीं आ रही जिन्हें पिछले साल ईद उल फितर की नमाज साढ़े नाल मिल के पढ़ी तरावियां साढ़े नाल मिल के पढ़िया रमजान के रोजे मिल के रखे ऐर के रमजान आ गया पर शक्ल नजर नहीं आ रही उस सोने चेहरे सानू नजर नहीं आ रहे अल्लाह जानता है जिस देश च हो गए ने उत्थे गया कदे कोई वापस नहीं आया हुण उन्होंने साढ़े कोल नहीं आना सानू ही उन्हां कोल जाना पैना है क्योंकि सुके रुख कदी भी हरे नहीं होंदे इन्हां हरियां भी सुक जाना मोए बंदे कदी वापस नहीं आंदे इन्हां जींदियां भी टुर जाना होईयां मुद्दतां ते वत कोई आया नहीं तेरा मुड़ वतना वर पाया नहीं कोई सुनिया हाल है सुनाया नहीं पढ़ ला इलाहा इल्लल्ला उड़ गया तोता जड़ा बोलियां सी पाउंदा रह गया खाली पिंजरा डर पिया आउंदा सके तो सका कोई हाथ नहीं लाउंदा टुट गए ने रिश्ते दूर ताई फिर होके मजबूर आखर फटे ते पाया है उतार दो कपड़े दे आप सुनाया है किसे दे दिल दराओ तरस ना आया है पड़न पोशाक थाओ थाई फिर देके गुसल गल विच कफनी चा पाईया लैओ भरावां तेरी एहोई कमाईया कल्ले नूं छड़ चले भैणां ते पाईया किसे ने एहसास कीता नहीं मेरे बुजुर्गो सुन लो ध्यान नाल नौजवानो ध्यान नाल सुन लो रमजान दा महीना जाया ना कर ऐसी तमा दे अंदर जिन्हां
ने अजे तक रमजान का एक रोजा भी नहीं रखा, या जिन्होंने जान बुझ के रमजान के रोजे छड़ बैठे ने, आंदे ने सुबह का भुलिया शाम घर आ जाए उन्होंने भुलिया नहीं कहते। अल्लाह के घर के अंदर बह के तौबा कर लो, अल्लाह के घर के अंदर बह के माजरत कर लो। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, नेकियां गुनाहों को खत्म कर देनियां ने, नेकियां गुनाहों को अड़ा बदल देनियां ने। मेरे नबी पाक फरमाते हैं जिहड़ा बंदा अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह को माफ़ी मंगता है, अल्लाह के अगे रो पैंदा है, अपनी अखां चो आंसू बहा लैंदा है, उहदी अख चो निकल वाला आंसू का कतरा रुखसार ते बाद च पहुंचदा है। अल्लाह सारे गुनाह पहला माफ़ कर देंदे ने। इस वास्ते मस्जिद आ जाओ, अल्लाह जानदा है, जरा सुनया जे ध्यान नाल, अल्लाह दे घर दे अंदर तौबा करके उठा जाए। रमजान बार दा महीना बड़ी तेजी ना गुजरदा पिया है, रमजान दे रोजे जिन्हें रखे ने नंघ उन्हों का भी जाना है वक्त, जिन्हें रमजान दे रोजे नहीं रखे वक्त उन्हों का भी गुजर जाना है, जिन्हें रमजान की कदर की टाइम उन्हों का भी नंघ जाना है, जिन्हें रमजान की कदर नहीं की वक्त उन्हों का भी गुजर जाना है। मेरे बुजुर्ग सुन लो ध्यान नाल, रमजान मुबारक का महीना हर बंदे नूं नसीब नहीं हुंदा, हर बंदे नूं बहारां नहीं मिलदियां, हर बंदे नूं इह बहारां दुनिया दे उत्ते अल्लाह हर बंदे नूं अता नहीं करदा। सुनने बिने माजा दी रवायत पढ़न लगा, अल्लाह जानदा इब्ने हब्बान दी सही रवायत है, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह सब को रज़ी अल्लाह तआला, कहो जरा सारे रज़ी अल्लाह तआला, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाओ, करीब आ जाओ मेरे, करीब होके जरा आवाज़ आए तुहाडी, करीब आ जाओ मेरे, सारे पढ़ो जदों सहाबी का नाम आए सारे क्या करो रज़ी अल्लाह ताला। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस हदीस दे रावी ने मेरे मुस्तफा दा कलमा पढ़ने वालो नबी पाक ने फरनाब सुनिया, जरा ध्यान नाल, दो नौजवान मदीने दे अंदर मेरे नबी पाक कोल चलदियां चलदियां आण के कहण लगे, कमली वालिया सोहणिया महबूबा असी तुहाडा कलमा पढ़ना चाहते हाँ, असी मुसलमान होना चाहते हाँ। मेरे नबी पाक ने दोवां नूं कलमा पढ़ाया तो मुसलमान कर दिता, दोवें मुसलमान होके जदों वापस गए, एक नौजवान चंद महीने जिंदा रहा हो ते एक नौजवान जरा सुनया जे ध्यान नाल, एक साल जिंदा रहने तो बाद फौत हो गया हो, एक नौजवान चंद महीने जिंदा रह के एक गजबे दे अंदर जामे शहादत नोश कर ली, ते एक नौजवान एक साल जिंदा रहने तो बाद फौत होया हो। मेरे नबी पाक नूं ख्वाब आया, अल्लाह पाक ने दोवां नूं जन्नत दे दित्ती है, अल्लाह पाक ने दोवां नौजवानां नूं जन्नत च महल ते घर दे दित्ता है। जेडे वेले नबी पाक नूं ख्वाब आया अल्लाह ने दोवां नूं जन्नत दे दित्ती है, मेरे बुजुर्ग जरा सुनया जे ध्यान नाल, लेकिन इन्हां दे जन्नत च जाण अंदर बड़ा फर्क है, जिहड़ा पहला शहीद होया है वह जन्नत च बाद गया है, ते जिहड़ा बाद अंदर फौत होया है वह जन्नत च पहला चले गया है। मेरे नबी पाक दा कलमा पढ़ने वालो हजूर दे गुलामां ने अर्ज कीती, कमली वालिया सोहणिया महबूबा, हमली वालिया सोहणिया महबूबा, दसो ते सही ना जरा वजह की है, गल की है कि जिहड़ा पहला शहीद होया है चाहीदा ते असी जन्नत च भी पहला जांदा हो ते वह जन्नत च बाद क्यों गया है, ते जिहड़ा बाद अंदर फौत होया है वह जन्नत च, तो जो इधर मेरे वाल रखो वह जन्नत दे अंदर, नाम सुनो जरा ध्यान नाल, पहला गया हो। जिहड़े वेले मेरे नबी पाक ने ख्वाब बयान कर रहे ने, ते कमली वाले नूं सहाबा इकराम पुछ देणे, अल्लाह दे नबी जी इहदी तबीर की है, फरमाया जिहड़ा पहला शहीद होया है उहदी जिंदगी च कोई रमजान का महीना नहीं आया, रमजान मुबारक का महीना नहीं गुजरिया, ते जिहड़ा बाद अंदर एक साल जिंदा रह के फौत होया उहदी जिंदगी च रमजान मुबारक आया, उहने रमजान दे रोजे रख के कियामुल लैल करके कुरान की तलावत करके जिक्र अज़कार करके तरावियां पढ़ के अल्लाह जानदा है कुरान की तलावत करके अल्लाह नूं अपने ते इन्ना राजी किया, अल्लाह ने जन्नत का दाखला पहला दे दिता है, अल्लाह ने जन्नत दा दाखला पहला दे दिता है। रख लै रोजा अदा कर लै नमाज नू, नेकियां दे बीज बीजी उठदी रात नू, रख लै रोजा अदा कर लै नमाज नू, नेकियां दे बीज बीजी उठ अदी रात नू, वेख लै करून पार सिर उत्ते चा गया, कुछ ना कमाया वेला सुत्या में आ गया, वेख लो राजे राणे छड़ी जांदे ने जहान नू, वेख लो करून पार सिर उत्ते चा गया। मेरे बुजुर्गो सुन लो ध्यान नाल,
रमदान मुबारक दियां बहारां हर बंदे नूं नहीं मिलदियां, हर बंदे नूं नसीब नहीं हुंदियां। अल्लाह जानदा है बड़े सारे लोग रोजे तो दूर, नमाजां तो दूर ने, रमजान तो दूर। ए मैं अपनी गल ही सुना दिना, जिदन ए 23 मार्च वाले दिन पहला रोजा हो जुमे रात का दिन है, तो मैं दूर जुमा पढ़ाने वास्ते जा रहा है, तो मैं डेवो सफर करता पिया हूँ ताकि मैं उत्थे टाइम ना पहुँच जावा, तो अगले दिन जुमा लेट ना हो जाए। पहला रोजा है रमजान का, जुमे रात का दिन, तो 23 मार्च का दिन इंज जा रहा। तो जो हफ्तारी का रस्ते च ही टाइम हो गया हो, तो मैं अपने दोस्त को आख्या जो थोड़े शहर च अजाना हो तो मैं दस दई अजाना होने लग पाने, ताकि मैं रोजा अफतार कर लवा। जेडे वेले कहना मैं पहुंचया, चलदिया चलदिया सफर के अंदर अफतारी का टाइम होया, तो उन्हें मैं दसिया मैं अफतारी कर रहा हूँ, तो दिल मेरा बड़े पड़ा परेशान होया, गमगीन होया। वेख के पूरी बस के अंदर मेरे तो इलावा एक बंदे भी इफतारी नहीं की, पूरे ना बस के अंदर एक बंदे भी इफतारी नहीं कीती। पिंडा दे पिंड बेरोज, शहरां दे शहर बेरोज, बस्तियां दियां बस्तियां बेरोज, कस्बियां दे कस्बे बेरोज। अज रमजान दा लोकां नूं इंतजार ना रहो, शान दे होना दो दिन पहला रमजान तो ना जलजले दी शक्ल दे अंदर अल्लाह दी नाराजगी आई है ना आसमाना तो। जदों रमजान दा लोकां नूं हया ना रह गया, रमजान दा इंतजार ना रह गया, जदों लोग पहले मैं सुन लो तारीख दियां किताबां पढ़िया सलफ सालेहीन दे बारे, रमजान तो 6-6 महीने पहला दुआवां कर दे, अल्लाह रमजान साड़ी जिंदगी च कर दे, अल्लाह रमजान साड़ी जिंदगी च कर दे। ते जदों रमजान आउंदा तरावियां भी पढ़ दे, रोजे भी रख दे। जदों रमजान गुजर जांदा 6-6 महीने बाद च दुआवां कर दे, अल्लाह रमजान गुजर गया है, जेड़े असी रोजे रखे तरावियां पढ़िया अपने दरबार च कबूल भी कर लई। जदों इंतजार होंदा सी रमजान दा, उदों सिलसिले नहीं सन आउंदे, उदों बेमौसमियां बारिशां नहीं सन आउंदियां, उदों सलाब नहीं सन आउंदे। हुण रमजान दी लोकां नूं कदर ना रही, रमजान दा एहसास ना रहा, रमजान नाल मुहब्बत ना रही, रमजान नाल बारक नाल प्यार ना रहा। अल्लाह दा मेहमान महीना है वीरो, गुजर जाना है बड़ी तेजी नाल, अय्याम मादूदात, गिणती दे चंद दिन जिहड़े बड़ी तेजी नाल गुजरदे जा रहे ने। ज्यादा लोग ए जिहड़े नहीं ना रोज़ा रखदे, सुन लो फैसलाबादी हो रजाबाद के रहने वाले हो, सिर्फ इस वजह तो रोजा नहीं ना रखते। मौलवी साहब मैं काम करदा, मौलवी साहब मैं दुकानदारी करदा, मौलवी साहब मैं कपड़े वाली दुकान पर काम करदा, मैं मिस्त्री हाँ, मैं मजदूर हाँ, मैं आड़ती हाँ, मैं फलाना काम करदा, ड्राइवर हाँ, कनैक्टर हाँ, ता रोजा नहीं रखते। अल्लाह जानदा आ, मैं तेनू जरा वाकया सुनावा सही बुखारी के अंदर, अर रही कुल मखतूम उठाओ, तफसीर इब्ने कसीर उठाओ, सही मुस्लिम उठाओ, सही बुखारी उठाओ। अल्लाह जानदा खिलाफ सियासतां दियां किताबां उठाओ, मेरे मुस्तफा दे यारां दे बारे सुनो जरा ध्यान नाल। रमजान दा महीना है, 17वां रोजा है, सन 2 हिजरी ते जुमे दा दिन मेरे नबी पाक ने अपने यारां नूं इकट्ठियां कीता। नौजवानों सुन लो, अल्लाह जानदा पैगाम वीडियो दे जरिए पूरी दुनिया ते जाना है, इत्थे जिन्ने भी बैठे ने तुसीं भी सुन लो। जिहड़ा नौजवान कवे मैं कम्मां दी वजह तों रोजा नहीं रखदा, कारोबार दी वजह तों रोजा नहीं रखदा, इस वजह तों नहीं रखता, वह जरा नोट कर लवे गल, तो उस नौजवान यह पैगाम जरूर देना है जिना मैं हूँ तुहानू देन लगा है। रमजान मुबारक का महीना है, 17वां रोजा है, सन 2 हिजरी ते जुमे का दिन है, केड़ा दिन है, उची बोलो, अज भी जुमे का दिन ही सी ना, अज भी जुमे ही सी है ना, हाजिर होके बहुत जरा अज की देने, की देने, उची बोलो, अज बोधे ते अज रोजा किनवा गुजरिया है, उची बोलो, 21वां रोजा ते कल नूं 22वां रोजा है, ते इना 17वें रोजे दी गल ते रमजान दा महीना ते मक्कतुल मुकरमा दी सरजमीन। मेरे मुस्तफा ने अपने यारां नूं इकट्ठियां कीता, फरमाया आओ मेरे यारो इकट्ठे हो जाओ। अल्लाह दे नबी जी कित्थे जाना है, फरमाया मैदाने बदर अंदर जाना है, काफराना जिहाद करना है, काफराना जंग करनी है। मेरे मुस्तफा दे यार 313 इकट्ठे हो गए, इंज चलदियां चलदियां मैदाने बदर अंदर पहुँच गए। मेरे नबी पाक दे यार वी ने, ते नबी पाक वी ने, हजूर ने भी रोजा रखे, पैगंबर दे यारां भी रोजा रखे, साडियां सहरियां अफतारियां फैसलाबाद चो केड़ी अल्लाह दी नेमत है जेड़ी नहीं मिलती। मेरे बजुर्गो पेट भर के असी सहरी करने, पेट भर के अफतारी करते हो, तो फिर भी इनियां नेमतां मिलन फैसलाबादों रजाबादों, फिर भी असी अपनी मर्जी दे मुसलमान हो, फिर भी असी अपनी मर्जी नाल रोजा रखते हो। तो मेरे नबी पाक दे यारां दी सहरी सुन लो ध्यान नाल, हजूर दे यारां नूं हर सहाबी नूं 2-2 खजूरां मिलदी,
ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਇਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਦੋ ਖਜੂਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਸਿਆਬੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਇਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਖਜੂਰਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਹਰ ਸਿਆਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਧੀ ਨਾਲ ਇਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਖਜੂਰਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਗਿਟਕਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਖਜੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਠਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿਟਕਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਯਾਰ ਗਿਟਕਾਂ ਚੂਸ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਿਟਕਾਂ ਚੂਸ ਕੇ ਇਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਆਬੀ ਮੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਐ ਬਦਮੇਦਾਨ ਬਦਰ ਦਾ ਮਾਰਕਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਸ਼ਵਾਲ 'ਚ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਫੇਰ ਨਾ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਲੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਬੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਯਾਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਤੰਗ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਅਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਬੀ ਨੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਐ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਯਾਰ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਆਦਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੱਚਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ? 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਮਰ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਆਂਦਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਮਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਾਂਗਾ? ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਲਾਲ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣਾ ਵੀ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਜ਼ਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਦਲੀਲ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੋ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਕਮਾਉਣਾ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਰੱਖਣਾ ਕਬਰ 'ਚ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਬਰ 'ਚ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਮਨ ਰੱਬੂ ਕਾਓ, ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ, ਮਨ ਨਬੀ ਕਾਓ, ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀਨ ਕਾਓ, ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ। ਬੱਚੇ ਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੀਵੀ ਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਹੱਕ ਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੱਲੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬ ਕਬੂਲ ਸਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕਬੂਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੱਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਨੌਜਵਾਨੋ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਓ ਭੈਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ 10 ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਦੇਣੇ ਕਿਹੜੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਾਲੇ ਸਵਾਮ ਵਾਸਤੇ 10 ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਹੀਵਾਲ ਆਇਆ, ਸਹੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਕਾੜਾ ਹੈ, ਉਕਾੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਖਤੀਬੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਕਾਰੀ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਰਜ਼ਾਬਾਦੀਓ, ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਦੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਾੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਤਮੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਈ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਤਮੀਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਤਾਵਨ ਕਰੋਗੇ, 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਤਾਵਨ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਆਂਦੇ 50 ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, 50 ਦਾ ਆਪੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ?
50 लाख का इंतजाम मैं कर देना हूँ तो दोवे 2.5 महीनों का टाइम मुकर्र कर रहा तारीख मुकर्र कर ली जदों वह वादा आया तो मस्जिद की इंतजामिया गई उस पिंड उस इलाके अंदर पता लग्या हाजी साहब तो फौत हो गए ने हाजी साहब से अल्लाह नूं प्यारे हो गए ने हाजी साहब से अगले जान की तैयारी कर लीए ये वीरो ये मामले तेरे मेरे नाल भी बनने ने क्योंकि एक दिन होने अखीर बन के जावेगा फकीर एक दिन होने अखीर बन के जावेगा फकीर छड़ के रजाबाद दी जगीर जद मौत ने फड़ी कहंदी कबर गाफलावे दुनिया कड़ी दे कड़ी जाया उमर ना गवामी मौत सिर ते खड़ी अल्लाह जानदा जरा सुन वाली गल अल्लाह साहब भाइयों का आना अपने दरबार कबूल फरमायो मेरे वीर बुजुर्ग नौजवान जिथों जिथों भी आयो अल्लाह पाक तुहाडा आना कबूल कर लवे अल्लाह जानदा जरा सुनिया जे ध्यान नाल पता लगा फौत हो गए ने हाजी साहब तो उनका नौजवान लड़का कहन लगा जी मैनू पता है तुहाडे नाल मेरे बाबे ने वादा किया सी मस्जिद नाल तामन करन दा 50 लाख मैं तुहानू जरूर दे देवांगा वो मेहमान चले जाते थे फिर वादा वो भी मुकर्र कर लिया तारीख वो भी मुकर्र कर ली जदों मस्जिद इंतजामिया गई तो मस्जिद हूँ बनानी है नीयां भरनियां ने अल्लाह जानदा जरा सुनया जो ध्यान मस्जिद भर्ती पैनी है तो इंज काम शुरू होने लगा है फोन किया आना वो नौजवान लड़के कितों दिन है असी मस्जिद शुरू करनी आंदा जी अज दिने कल दिने परसों दिने 15 दिने 20 दिने यकम दिने फलानी तरीक न मैनू मिलने ने पैसे बना फलान जगह तो मैं दे देना आखिर कर दिया उन्हें फोन अटेंड करना भी छड़ दिता फोन रिसीव करना भी छड़ दिता फोन चकना भी छड़ दिता गलबात करनी भी छड़ दी वक्त गुजरता गया जान देना फैसला बाधी हो अल्लाह दे घर के काम फिर रुकते थे नहीं ना हो एक बंदा तावन ना करे अल्लाह दूसरे को करवा देता है मस्जिद बन लग पी नीयां भी भरिया गई भर्ती भी पै गई दीवारा भी बन गई लेंटर भी पै गया स्पीकर भी लग गया पखे भी लग गए लाइटा भी लग गई अल्लाह जानता अजाना होने लग पी नमाजा होने लग पी इफ्तिताह हो गया मस्जिद का मस्जिद आबाद हो गई लेकिन उस नौजवान का एक रुपया भी तावन नहीं आया। मैं जी गल तुहानू एडी लंबी शुरू दसी है इस वास्ते कि ऐस औलाद की खातर इंज की औलाद की खातर अल्लाह तो दूर हो मस्जिद तो दूर हो रोज़ा तो दूर जिन्हें पता नहीं मगरों पैरा भी देना कि नहीं तुहाडी गल ते मेरे बुजुर्गो रमज़ान मुबारक दे रोज़ों की कदर करो रोज़े पिछे रोज़ी पिछे रिज़क पिछे तो कम्मां कारां पिछे दिहाड़ियाँ पिछे अपने रोज़े ज़ाया ना करो रिज़क दा ते अल्लाह ने वादा किया है जिहड़ा मेहनत करेंगा तो मिल जाना है थोड़ी मेहनत करेंगा तो फिर भी उही मिलना है जिहड़ा नसीबा च लिखा है ज्यादा मेहनत करेंगा तो मिलना हो जो मुकदरा च लिखा है इस वास्ते पैसों की खातर कमां की खातर बैंक बैलेंस की खातर दिहाड़िया की खातर रमजान के रोजे दया ना करो अल्लाह के घर के अंदर बह के वादा कर लो अल्लाह सोने मैं भुले रहा मैं माफ कर दे कितने मुसलमान ने कई जिंदगी 15 रमजान गुजर गए किसी की जिंदगी 20 रमजान गुजरे किसी की जिंदगी 30 रमजान गुजरे किसी की जिंदगी 40, 45, 50, 60, 70 रमजान गुजरे अल्लाह जानदा रमजान की कदर ना की जवानी हमेशा जवानी नहीं रहनी यह जिंदगी हमेशा जिंदगी नहीं रहनी यह सारिया चीज़ा खत्म हो जानिया ने सब कुछ मिट जाना है सारिया चीज़ा खत्म हो जानिया ने या अयो अल्लादीन आमनु कुतिबालिकुम सियाम कमा कुतिबाल अल्लादीन मिन कबलिकुम लअल्लकुम तत्तकून। फरमाया मैं इस वास्ते तुहाडे ते पहलियां लोगां ते रोज़े फर्ज कीते ताकि तुसी लअल्लकुम तत्तकून परहेजगार बन जाओ मुत्तकी बन जाओ मेरे कोलों डरन वाले बन जाओ मेरी आखे लगन वाले बन जाओ सिराते मुस्तकीम ते चलन वाले बन जाओ। मेरे बुजुर्गो सुन लो मेरे नबी पाक ने फरमाया जामे तिरमिज़ी दी रिवायत अल्लाह दे नबी फरमाते ने जिहड़ा बंदा एक रोज़ा छड़दा जान बुझ के किन्ने रोज़े उची बोलो एक रोज़ा छड़दा जान बुझ के किन्ने रोज़े उच्ची बोलो सारे किन्ने रोजे एक रोजा छड़दा जान बुझ के बीमार भी नहीं ते शरी उधर भी नहीं कोई जान बुझ के घर बैठा छड़ दिंदा एक रोजा अल्लाह दे नबी फरमांदे ने अगर उस रोजे की कदाई दे अंदर सारी जिंदगी भी नफली रोजे रखता रवे तो होने वाले नुकसान की तलाफी फिर भी नहीं हो सकती।
एक रोजा छड़ेगा ते उदे स्वाब नू सारी जिंदगी भी नफली रोजे रख के नहीं पहुंच सकता। इस वास्ते फर्दी रोजा ना छड़िया करो, नमाज इंज पढ़िया करो मस्जिद चाण के पांच टाइम दा नमाजी बन जाओ। रमजान महीना आंदा है अल्लाह वल मोड़न वास्ते बंदिया नू। किन्ने मुसलमान जेड़े रमजान च भी मस्जिद नहीं वड़दे, रमजान दे अंदर भी अल्लाह दे घर दे अंदर नहीं आंदे। रमजान मुबारक सौं के गुजार दिता, गुजर गया रमजान, किन्ने क दिन पिछे रह गए, ज्यादा दिन गुजर गए ते थोड़े जे रह गए ने। मेरे बुजुर्गो, मेरे दोस्तों, रमजान की कदर करो, रमजान मुबारक की कदर करो। ये मेहमान अल्लाह का महीना है, इसकी कदर करोगे तो क्यामत वाले दिन तुहाडे वास्ते जहन्नम तो ढाल बन जाएगा, सिफारशी बन जाएगा। जिहड़ा बंदा रोजे रख के नमाजा पढ़ के जिक्रो अज़कार करके रमजान मुबारक की कदर करके अल्लाह के मैदान अंदर जाएगा, अल्लाह इस बंदे नूं जन्नत के अंदर बाबर रियान चो दाखला नसीब फरमाएगा, बाबुरियां चो दाखला मिल जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह पाक फरमांदे ने मैं पहलियां लोगां ते रोज़े फर्ज किए, तुहाडे ते भी रोज़े फर्ज किए, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुसीं परहेज़गार बन जाओ, ताकि मुत्तकी बन जाओ। रोज़ा तकवा सिखाउंदा है। ऐ हुण जिन्ना कुछ मैं बयान किया है हुण सिर्फ यही दसिया कि रोजा फर्ज है, हर आकल बालक ते फर्ज है, जिन्हें नहीं रखे उन्हें चाहिए है रखना। रोजा फर्ज है हर बंदे उत्ते। रोजा ये नहीं कि रख लिया तो ठीक है, ना रखा तो कोई गल नहीं, जेड़ा नहीं रखता उन्हें गुनाह होता है। मेरे बुजुर्गो सुन लो ध्यान नाल, जिवें नमाज फर्ज है इवें रोजा भी फर्ज है, तो जे अल्लाह तौफीक दे रोजा रखण दी तो फिर रोजा रख के उहदे तकाज़े भी पूरे करने ने। लअल्ला कुम तत्तकून, ताकि परहेजगार बन जाइए, असीं मुत्तकी बन जाइए। जदों अल्लाह ने खाण पीण तो मना किया है ना रोजे की हालत के अंदर, ये क्यों रोजा रखाया अल्लाह ने? इस वास्ते ताकि साढ़े दिल नरम हो जाए। गरीबा यतीमा मिसकीना बेवा औरतों का एहसास तो माड़िया लोगों का एहसास साढ़े दिलों पैदा हो जाए। बंदा जो भुखा प्यासा होंगे उन्हू अनाब माड़िया लोगों का एहसास वे दिल च पैदा होंगे, गरीबा लोगों का एहसास वे दिल च पैदा हो जाता है, माड़िया लोगों का एहसास वे दिल च पैदा हो जाता है। जिन्हें बैठे ने सुन लो ध्यान, इतने जिन्हें भी बैठे हो हर घर दे अंदर हफ्ते डेढ़ बाद गोश्त पक जाता है, हफ्ते बाद ना पके दसा दिन बाद हर घर च ही पक जाता है। लेकिन ये बावजूद किन्ने मुसलमान ने फैसला बाद दे, जिन्हों ना तुसी जान दे ना मैं जान दा, जिन्हों साल बाद गोश्त लभदा है, साल बाद उन्होंने बच्चों फ्रूट लभदा है, साल बाद बच्चों शरबत मस्जिद चो लभदा है, साल बाद मस्जिद के अंदर उन्होंने बच्चों फ्रूट लभदा है, साल बाद ईद वाले दिन गोश्त लभदा है। अल्लाह जानदा, सुन लो जरा ध्यान, गरीब भरा ते मुसलमान भरा साडे नाल मिल के ईदियां खुशियां शामिल हो जाण। रोगां विचों रोगे वल्ला, रोगां विचों जिहड़ा सुन लो ध्यान नाल दरवाजे ते आ जाए, ये नहीं मैं कहिंदा उहनूं खाली मोड़ दिया कर, कुछ ना कुछ दिया कर, पर उहदे तों ज़्यादा उहनां लोगां ते खर्च करिया कर। तुहाडे माल दे ज़्यादा हकदार उह ने जिहड़े घर बैठे ने ते हाजत मंद ने ते मंगदे वी ने। सफेद पोषण से जरा मंगण वाला है दरवाजा खड़का के मैं ना दवांगा तो तुसी दे दोगे, तुसी ना दोगे तो तीसरा दे देगा, तीजा ना देगा तो चौथा दे देगा। जिन्हें मंग लिया उन्हें अनाप तेरे को भी मंगना तो मेरे को भी मंगना, तो सारिया को कोई एक ना देगा तो दूसरा तो दे देगा। उन्होंने लोगों पर खर्च कर जेड़े मंगते ने घर च बैठे ने, मजबूर भी ने हाजतमंद भी ने, तो हाथ भी नहीं फैलाते। रोगों विचों रोगे वल्ला, जिस दान मगरीबी कंड करके कोलों लंघ जाते ने, रिश्तेदार करीबी बन जाते हैं, पराए भी अपने जब कुछ पास होता है टूट जाता है। गरीबी में जो रिश्ता खास होता है, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर से रास्ता बना लिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन قبلكم لعلكم تتقون। रोजा तकवा सिखाउंदा है, उच्ची बोलो की सिखाउंदा है? दिल नू रोजा नरम करदा है, दिल च एहसास पैदा करदा है, और दिल दे अंदर मुहब्बत ते मुवद्दत पैदा करदा है, नरमी एहसास पैदा करदा है। कई बंदे ना रोजा रख के भी मस्जिद चाण के अफतारी तो लड़ी जाणगे, क्यों भी लड़दे ने ना? उच्ची बोलो, तुसी ते नहीं लड़दे है ना?
हाँ तुसी नहीं लड़ते, अल्लाह पाक सुलह रखने की तौफीक ता फरमाए। मैं अक्सर जाना रहना इफ्तारियां ते वेखदा वो कमरे च बैठे मस्जिद कितने इफ्तारी हो जिवें तुहाडे नाल कमरे च बैठ आवाज़ आन गई उत्थे अंदर एक दूजे नाल लड़दे गल पैण तक जाते थोड़े जे दिन की गल पतो कि इफ्तारी सी तो मस्जिद के अंदर इफ्तारी की उपर बंदे कर रहे सन तो दो तीन बाबे बह गए मस्जिद चाहे तो मैं कहा आज बुजुर्गों बह जाओ वो हूँ एक दूजे ने लड़न लगे से मैं ना आता तो उन्होंने एक दूजे से सीटन लग पैनिया से अल्लाह हदायत नसीब फरमाए कहो आवीन। मैं उन्होंने कहा बाबे कि गल है क्यों लड़ते हो पै रोज़ा सानू नरमी का दर्स दिता है तकवा सिखा मुहब्बत सिखा है जे रोज़ा रख के फिर वही काम करना है तो रोज़े का मकसद तो फिर असी पूरा ना किया इस वास्ते रोज़ा सानू तकवा सिखा है तो जिन्हें बंदे तुसी ईमान वाले बैठे हो मैं ईमान नाल दसो जिहड़ा बंदा रोज़ा रख के अपने रोज़े के तकाजे पूरे नहीं करता अपनिया नज़रों के गलत इस्तेमाल तो बाद नहीं आता उची बोलो वो रोज़े का उन्होंने कोई भी फायदा। रोज़ा सिर्फ भुखे प्यासे नाम रहन दा नाम नहीं, सारा दिन पानी बंदा छड़ी रखे रोटी छड़ी रखे सिर्फ एदा नाम रोज़ा नहीं बल्कि रोज़ा अखां दा भी हुंदा है रोज़ा कन्नां दा भी हुंदा है रोज़ा हत्थां दा भी हुंदा है रोज़ा पैरां दा भी हुंदा है रोज़ा दिलो दिमाग दा पूरे जिसम दा रोज़ा है। जिहड़ा बंदा रोज़ा रख के अपने पूरे जिसम अजावां दा रोज़ा नहीं ना रखाउंदा उहदे रोज़े ने भी उहनूं कोई फायदा दित्ता। नबी पाक फरमांदे ने इस रूहे जमीन ते किन्ने ही रोज़ेदार ऐसे ने जिन्हां नूं भुख ते प्यास तो इलावा कुछ भी नहीं मिलता। समझ आई गल तुहानूं भुख ते प्यास तो इलावा कुछ भी की मतलब भला इस गल दा कि उन्होंने भुख में सारी दिहाड़ी भुखे रेंदे ने प्यासे रेंदे ने मूँह बन बन्नी रखते हैं ना कुछ खाते ने ना पीते रोज़े की हालत बंदा कुछ खा पीते नहीं ना सकता तो फिर रोज़ा रख के रोज़े के तकाजे भी पूरे कर दे रोज़ा जो कहिंदा है वह कर दे सारी दिहाड़ी फिल्मां वेखी जाणगे मोबाइल ते जनाब फिल्मों के क्लिप वेखी जाएंगे ड्रामिया के स्टेज ड्रामिया के क्लिप वेखी जाएंगे होर चीज़ा गाने सुनी जाएंगे चलाई जाएंगे फेसबुक जिहड़ी चीज़ आई वेखी जाएंगे तस्वीर वेखी जाएंगे तो असी रोज़ा शाम को मसीते आ के इफ्तारी कर लग पे नमाज भी कई नहीं पढ़ते सुते रहेंगे जोर असर सौं के नगा देंगे तो इफ्तारी टाइम मस्जिद योजा रोज़ा अल्लाह को चाहिए इंज का रोज़ा नहीं चाहिए। रोज़ा तकवा सिखाता है परहेजगारी सिखाता है हर लिहाज ना रोज़ा अल्लाह के करीब करता है। जे रोज़ा रख के असी अल्लाह के करीब ना हो फिर दसो कदों आना है अल्लाह मेरी तुहाड़ी हाजरी कबूल फरमाए। जितने बच्चे बुजुर्ग नौजवान बैठे हो क्यों भी अल्लाह ना वादा कर दो अज तो बाद असी रोज़ा छड़ना उची बोलो जरा रोज़ा छड़ना कुरान की तिलावत छड़नी तरावियां छड़नियाँ जिक्रोजगार छड़ना झूठ छड़ना झूठ भी नहीं छड़ना झूठ तो छड़ना है कहते नहीं है और झूठ तो कमले छड़ना है रोज़ा झूठ तो रोकता है सानू उची बोलो रोज़ा सानू सारे बोलो रोज़ा सानू रोकता है झूठ नहीं बोलना रोज़ा रख के नहीं बल्कि रोज़ा ना भी रख्या हो झूठ तो फिर भी नहीं बोलना चाहिए क्या भी रोज़े तो बगैर झूठ बोल लेना चाहिए उची बोलो हाँ रोज़ा रख के भी नहीं बोलना तो ना हो ना रोज़ा फिर भी उची बोलो झूठ बोलना झूठ नहीं बोलना अल्लाह मेरी तुहाडी हाजरी कबूल फरमाए। बच्चों बुजुर्गों का बहना अपने दरबार च कबूल फरमाए। अल्लाह पाक जितनी देर तुसी इत्थे अल्लाह दे घर च बैठे हो अल्लाह तुहानू सलामत रखे खुश रखे और अल्लाह पाक जिवें असी अल्लाह तेरे घर च कट्ठे बैठे हाँ अल्लाह इवें जन्नत च कट्ठे बहण की तौफीक ता फरमाए। ये भाई इनाम रहमान साहब आए ने पेंटसरे तो इन्हां दे वालदे मोहतरम मैं इन्हां कोल थोड़े जे महीने पहला जुमा पढ़ाया उदो इन्हां दे वालदे मोहतरम माशाल्लाह साडे नाल उन्हां खाणा खाधा कट्ठे उत्थे मिले तो वह मैनू इन्होंने थोड़े जे दिन पहला दस्या फौत हो गए ने अल्लाह पाक हाजी अब्दुल रहमान साहब से ना उन्हां दा नाम हाँ अब्दुल रहमान साहब उन्होंने कबर नूं नूर नाम नवर फरमाए। अल्लाह पाक उन्हां बुजुर्गां दीआं लगशां कमियां कुताइयां गलतियां तो दरगुजर फरमाए। ए एक किलान यासिन इस्लामिक सेंटर अज वाला जिहड़ा प्रोग्राम है बयान होया है ना यासिन इस्लामिक सेंटर इतों इंशाल्लाह यूट्यूब ते चैनल है इतों ही मिल जाएगा सारे दोस्त इनू सबसक्राइब करो जिन्हों के कोल टच मोबाइल है ना तुसी जिथे दूसरे चैनल पूरा पर खेल खुला देखते हो तो ये चैनल इस्लामी भी वेख्या करो तो भी वेखोगे ना इंशाल्लाह उची कहो जरा हाँ जी। तो ये बुजुर्ग माशाल्लाह बड़ी मुहब्बत नाल अल्लाह की रज़ा वास्ते दूर दूर चक तक जाते हैं उलमा दियाँ तकरीरां और बयानात भरते हैं तो फिर तुहानू नैट ते मुहैया करते हैं। अल्लाह जानता है इन्हां दी ड्यूटी मैं समझदा साढ़े तो भी ज़्यादा सख्त है कि ये बेचारे उलमा कोल ते गड्डियां होंदियां ने ते बेचारे इन्हें बसां ते सफ़र सारी जिंदगी करना हुंदा है। अल्लाह पाक भाई यासीन के कारोबार च रहमतां बरकतां दा नज़ूल फरमाए। तो ये होर भी उलमा दियां बयानात और तकरीरां
इन्हां दे मिल जाणगीआं इंशाल्लाह। सारे दोस्त इस चैनल नूं वेख्या जे ते अज वाला बयान भी इंशाल्लाह इत्थों मिल जाएगा। अल्लाह पाक मेरी तुहाडी हाजरी कबूल फरमाए। बीमारां वास्ते दुआ करो, फौजशुदगान वास्ते और मकरूज वास्ते सब वास्ते दुआ करो। अलहम्दुलिल्लाह अल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिन ज़ुल्ली वकबिरहु तकबीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشف كل مريض يا مرے لسر زمین تے جن میں مسلمان بیمار نے گھراں دے اندر ہسپتالاں دے اندر اللہ تمام بیماراں نوں شفا عطا فرماؤ. اللہ جتنے مسلمان مقروض نے کر دے دور فرماؤ. اللہ جتنے مسلمان تنگ دس نے تنگ دسیاں دور فرماؤ. اللہ سونے جتنے مسلمان پریشان نے پریشانیاں دور فرماؤ. اللہ جتنے مسلمان بیمار نے اپنے رحمت دے نال شفا عطا فرماؤ. اللہ سر زمین تے جن نے ساڈے مسلمان پرا پینا جان بوجھ کے روزے نہیں رکھ دے اللہ سونے روزے رکھن دی توفیق عطا فرماؤ. اللہ قیام اللیل تراویح پڑھن دی توفیق عطا فرماؤ. اللہ اس مسجد نو قیامت دی صبح تک آباد فرماؤ. یا اللہ اس مسجد نال پیار کرن والے تامن کرن والے مسجد نو آباد کرن والے لوگاں دے گھراں نو آباد فرماؤ. اللہ سونے جتنے بچے بزرگ اور میری ماں بہناں کثیر تعداد اندر آئے نے اللہ سب دانا اپنے دربار دے اندر قبول و منظور فرماؤ. اللہ سونے رمضان مبارکیاں بہاراں سانوں لٹن دی توفیق عطا فرماؤ. اللہ کمیاں کوتائیاں اللہ دی شان غلطیاں تو درگزر فرماؤ. اللہ سونے میرے بھائی نام رحمان صاحب اپنے والد محترم واسطے دعا دا پیغام لے کے اے اللہ انہاں دے والدے محترم مولانا عبد الرحمان صاحب دی قبر نوں جنت دا باغ بناؤ. اللہ کمیاں کوتائیاں لگشا انسان ہون دے ناتے اللہ جڑیاں ہویاں نے اپنے رحمت دے نال معاف فرماؤ. اللہ حاجی صاحب دی قبر نوں جنت دا باغ بناؤ. بھائی انام رحمان صاحب دے والدے محترم دی قبر نوں جنت دا باغ بناؤ. یا میرے اللہ انسان ہون دے ناتے جڑیاں کمیاں کوتائیاں لگشا غلطیاں ہویاں نے اللہ درگزر فرماؤ. اللہ نیکیاں حسنات دے اندر اضافہ فرما کے قبر نو نور نال منور فرماؤ. اللہ قبراں نو جنت دا باغ بناؤ. اللہ ساڈے چوں جنہاں دے والدین فوت ہو کے تیرے کول پہنچ چکے نے اللہ انہاں والدین دیاں قبراں نو جنت دا باغ بناؤ. اللہ جنہاں دے والدین زندہ نے اپنے والدین دی قدر کرن دی توفیق عطا فرماؤ. اللہ والدین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرماؤ. اللہ سونے آپس دے اندر محبت مودت اور یا اللہ اچھا اخلاق حسن اخلاق پیدا کرن دی توفیق عطا فرماؤ. ایک دوجے نال نرمی اختیار کرن دی توفیق عطا فرماؤ. یا میرے اللہ تیرے خزانے اندر کمی کوئی نہیں. مساجد دے اندر مدارس دے اندر مراکز دے اندر یا میرے اللہ جڑے لوگ آؤ نے ایک دوجے دا احترام کرن دی توفیق عطا فرماؤ. یا اللہ سانوں رمضان مبارک دے مہمان مہینے دی قدر کرن دی توفیق عطا فرماؤ. اللہ جویں قدر کرن دا حق ہے اسیں اویں دی قدر نہیں کردے. ٹوٹیاں پھٹیاں نمازاں تیرے روزے اپنے دربار دے اندر قبول و منظور فرماؤ. یا میرے اللہ شیخ عبد الحفیظ سبحانی صاحب یا اللہ تیرے دین دی وجہ تو محبت کردے نوں میں کرام نال اللہ انہاں دے بھائیاں دے اُتے انہاں دے اُتے اور پوری جماعت تے پوری انتظامیہ دے اُتے اپنی خاص رحمتاں نزول فرماؤ. اللہ سونے میں جو کچھ منگیا اپنے واسطے دوسرے مسلمان بھائیاں واسطے بھنا واسطے عطا فرماؤ. اللہ جو نہیں منگ سکے میں منگیا عطا فرماؤ. سبحان ربک رب عزت یما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.